हरदा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक प्रसूता और उसके बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि कल शाम महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन लगाया जिससे मां और बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मनोज भाई, आज आपकी जो भाभी शांत हुई, कैसे शांत हुई, क्या लापरवाही रही अस्पताल? लापरवाही इनकी शिवहर मैडम है। हाँ। और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। हाँ। उनके घुसखोरी चल रही है यहाँ, वो शिवहर के यहाँ छापा पड़ चुका है कुछ दिन पहले ही, सील उनकी बंद है दुकान है, तो उसके बाद भी इलाज कर रही है यहाँ हॉस्पिटल में। उन्होंने आजादी दी है क्या हॉस्पिटल में? आज क्या हुआ? दिन भर से हम लोग परेशान है, हॉस्पिटल में दिखाया, दिन भर कोई मैडम नहीं मिली, शिवहर मिली 4 बजे, उनके घर पे दिखाया हमने, 5 बजे हमने वो सोनोग्राफी करवाई, बड़े बताओ उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी का बोला। अच्छा, है ना, फिर क्या हुआ? ऑपरेशन की तैयारी का बोला 5:30 को, करीब टाइम तो कंफर्म नहीं पता मुझे, उन्होंने 6 बजे उन्होंने भाभी का मेरे पास फोन आया कि भैया मुझे ले जा रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं, आप भी आ जाओ। तो मेरे मामा जी छोटे वाले और मैं आया, मैंने हम लोग यहाँ आए, भाभी बोलती कि भैया कोई नहीं है यहाँ, आप आ जाइए, है ना। तो हम लोग आए यहाँ, तो वो 6 बजे से अभी 10 बज रहे रात, ये देखो ये मोबाइल दिखा रहा हूँ, 10:20 हो रही है अभी तक, तो कोशिश कर रहे हैं, और जो सेवा रहे हैं इनके अलावा और भी मैडम है या मिली जुली हुई है या जो भी है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये ऐसी कार्रवाई हो कि ना तो इनका पूरा, अभी तो पहले तो केस वो चली रही है, सीबीआई जांच करवाई जाए, इनके साथ वो इनकम टैक्स की तैयारी की जाए, 9 महीने से पूरा इलाज चल रहा है उनके पास में, ऑपरेशन के सरकारी में। कितने पैसे लिए मैडम? 5,000 रुपए, बोल तो रहा हूँ। कब लिए? अभी 5 बजे देखा है मैं घर पे, घर पे वही से लूट रही है, लोगों को दिखा रही है, और साथ उसके साथ में सुनिए, उनके साथ में और भी लोग मिले हुए है ना, शिवरे नहीं है, और भी श्रेया में करवाया, श्रेया में करवाई है, बिल्कुल बढ़िया बताया है, सब कुछ अच्छा ठीक है, नॉर्मल ठीक है, उनका इंजेक्शन लगाया जो रीढ़ मड्डी में लगता, जो अपने को आइडिया नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है अपन, जो भी उन्होंने बताया मुझे कि, तो उन्होंने बताया कि उनको इंफेक्शन हो रहा है, सॉरी इन्फेक्शन नहीं। हमें मैडम आई शिवर 6 बजे घुसी, उसने मुझे हमको आके बताया कि यार उनको वो जो मेडिसिन दी है या जो इंजेक्शन दिया है उससे एलर्जी हो रही है उनको, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ये 6 बजे से कोशिश कर रहे हैं, ये 10 के 10:15 बजे, ये 10:30 बजे अभी तक उनकी कोशिश चल रही है। हमारी मैडम जो हमारी भाभी जी थी वो चली गई जिंदगी से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको भी जान से जाए, या तो वो सातों को जो अंदर थे सातों, या तो वो जाएंगे, या तो हम 5 लोग हैं, हमको जहर दो या उनको 7 लोग को जहर दो, हम इतना चाहते हैं। पता चला है कि जो एक सुनीता नाम की है, सुनीता चौरसी है, पति विशाल चौरसी है, हरदा निवासी है, शुक्ला कॉलोनी की, शाम को उन्होंने डॉक्टर के यहाँ दिखाया था, उसके बाद उनको यहाँ हॉस्पिटल रेफर कर दिया, हॉस्पिटल में यहाँ जैसा उनके परिजनों ने बताया, अभी वो जांच का विषय है, यहाँ आके उनका जब इंजेक्शन वगैरह दिया तो उसका रिएक्शन हो गया, उनकी डेथ हो गई, ऐसा परिजनों ने। कौन इलाज कर रहा था? परिजन बता रहे हैं वो तो डॉक्टर से भरे का बता रहे हैं, और ये जांच का विषय है पूरा, अपन पता करके ही बता पाए। हरदा जिले में एक सीमेंट सड़क के निर्माण में बांस की किमचियों का उपयोग किया जा रहा है। उपयोग करने वाले सरपंच का मानना है कि इससे सड़क में मजबूती आएगी, जबकि एक्सपर्ट इस बात को सुनकर हैरान है। पाटिल है योगी जी, आप क्या सरपंच हैं? जी हाँ, मैं आज वर्तमान में सरपंच हूँ। कौन सी पंचायत के सरपंच? मैं मसनगांव पंचायत। योगी जी, आपके गांव में एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जो सड़क में सरी की जगह यहाँ पे लोग बांस लगा रहे हैं, का प्रयोग कर रहे हैं जी, तो ये क्या सक्सेस रहेगा? बिल्कुल सक्सेस रहेगा सर, क्योंकि हमने क्या है, और हमारे यहाँ पे एक जियो आए सरदार भाई भारे, उनसे राय ली तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे उधर बढ़िया काम चल रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ कि बाकायदा ये रोड हमारा सक्सेस होगा और नयापन है, जिससे कि हम लोगों को और आने वाले समय में एक नया प्रयोग हो, जिससे कि नयापन आए। स्थानीय जो इंजीनियर है उनकी क्या राय इस बारे में? हमारे स्थानीय इंजीनियर लोग तो मना कर रहे हैं कि हमने अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं, करवाया नहीं, अगर कुछ होता है तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि ये प्रयोग है, अगर होता है सफल तो आने वाले समय में एक नया मैसेज जाएगा। मान लीजिए रोड सक्सेस नहीं तो इसके जवाबदार कौन होगा? इसके जवाबदार हम खुद रहेंगे। अच्छा, ये कितने की लागत से और कितना रोड? 3 लाख रुपए की लागत से बन रहा है, 105 मीटर का रोड है ये। अच्छा, इसके पहले कभी प्रयोग किया गया ऐसा? इसके पहले प्रयोग हमें कोई मार्गदर्शन मिला नहीं, कोई नई चीज हमारे को जो है वैसे ही बना रहे थे, जिनमें हमने शिकायतें देखी थी फट रहे थे, पर ये कह रहे हैं कि इसमें फटने वगैरह की कोई शिकायतें नहीं आएगी, तो प्रयोग है हम लोग कर रहे हैं। क्या आपके गांव में पहले जो रोड बने वो फट चुके हैं पहले? हाँ, पहले जो रोड बने हैं उनकी सुवाई गई हर जगह, मेरे ही गाँव नहीं, हर जगह मैं जा रहा हूँ देख रहा हूँ, रोड फटते हैं, क्रैक होते हैं,
पर इसमें नहीं होगा ऐसा अपने को लगा, इसलिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अगर सक्सेस हो जाता तो सद्दू नए नया बन जाएगा। सीमेंट काम से टोड़ बन रहा है, उसमें बांस की चिंपारियों का उपयोग किया जा रहा है, तो कितना उपयुक्त है? हमारे मूर्ति के निम्नानुसार तो ऐसा कोई प्रावधान अभी तक है नहीं है, ना ही मैंने अभी ऐसा कोई पढ़ने में आया है। मेरा पर्सनल यहाँ तक व्यू है, इस प्रकार का कार्य इसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि तो पकड़ रहे हैं सर। उससे आपको लगता है कि वो ये रोड ये उपयोग कर रहे हैं उससे रोड मजबूत होगी या टिकेगी लंबे समय तक? मेरे हिसाब से तो मजबूतीकरण इतनी नहीं आएगी जो आना चाहिए, मतलब कम समय में खराब होने की। जी हाँ जी, हरियाणा के पंचकुला में आज रेप का तीसरा मामला सामने आया है। बता दें कि एक नाबालिग युवती के साथ पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने रेप किया। बहरहाल पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए, क्या मामला पूरा? लड़की है कि 15 साल की, पंचकुला में रहती है, ये हॉस्पिटल में गई थी, बीमार थी, इसलिए वहाँ पे इसने बताया डॉक्टर्स को भी, वहाँ डॉक्टर ने फिर हमारे पास अभी रुका आया था, रुके पे अभी हमारा आयोग गया हुआ है। जी अभी मेडिकल हो गया लड़की? अभी मेडिकल हो रहा था उसका जी, खत्म हो जाएगा अभी जी, इसके बाद ही जांच आगे बढ़ेगी। हाँ जी। सरकारी स्कूलों में बच्चों की बढ़ोतरी कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने स्कूल भवन में ऐसी पेंटिंग करा डाली कि अब यह स्कूल अपने आप में रेलनुमा मॉडल बन गया है, जो अब आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से देखने वालों का तांता लगने लगा है। देखिए बिजनौर से ये खास रिपोर्ट। सरकार भले ही शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिले की मुहिम अभी भी पीछे चल रही हो। लेकिन केंद्र सरकार के स्कूल को पेंटिंग के जरिए रेलनुमा मॉडल बनाकर स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने की जरूर उम्मीद जताई जा रही है। और हो भी क्यों ना, बच्चे भी खूब खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। संजीदा अंसारी जी, स्कूल में जो रेलवे का डिब्बा बना है, ये पूरा मामला क्या है? ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ताकि बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, जो खेलते रहते हैं गांव में, तो वो यहाँ आए, खेलें और स्कूल में उनको रुचि आए। अच्छा, स्कूल के अंदर जो बच्चों की जो आपने ये कला दिखाई है सरकार द्वारा, इस कला से कुछ बाहर के बच्चे भी देखने आ रहे हैं स्कूल में? बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं, गार्जियन अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं दिखाने के लिए कि ये रेलवे स्टेशन जैसा बन चुका है, तो आकर्षण का केंद्र तो बन ही चुका है। मैडम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रूपम रानी है। रूपम जी, जो स्कूल के अंदर डिब्बा बना है रेलवे का, इसका पूरा मामला क्या? जी केंद्र सरकार के तहत बना है और ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चे अच्छे से यहाँ पे आए, आने में इंटरेस्टेड हो, और बाहर से भी यहाँ से दूर दूर से गार्जियन बच्चों को लेके दिखाने जा रहे हैं कि ये स्कूल में ऐसी पेंटिंग हुई है। अच्छा, इस चीज से क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो रेल का डिब्बा बना है, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैसेज यही है कि बच्चे इसको देख के खुश हों और पढ़ने के लिए अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में उपस्थित हो जाए, नामांकन अधिक। क्या नाम है आपका? जयनिश कुमार। अनु जी, स्कूल के अंदर जो रेलवे का डिब्बा बना है, क्या मामला है? सर ये केंद्र सरकार की योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है ये, इससे जो है बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और गांव से बच्चे देखने आ रहे हैं, माँ बाप भी बच्चों को ला रहे हैं, स्कूल दिखा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी रुचि हो रही है बच्चों की स्कूल आने में, हमारे बच्चों के स्कूल की संख्या भी बढ़ी है। स्कूल का नाम क्या है पूरा, किस क्षेत्र में आता है? जी दाऊदपुर नहर नाम है और ये ब्लॉक नजीबाबाद में आता है, जिला बिजनौर में। बहुत ही अच्छी पेंटिंग करी है। अब तक आपने अलग अलग रिश्तों में एक दूसरे को किडनी देते सुना होगा, पर फरीदाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी को किडनी देकर उसकी जान बचाई है। पति पत्नी के इस प्यार को देखकर अस्पताल के डॉक्टर भी बेहद खुश हैं। अस्पताल प्रशासन ने पति को इस मौके पर सम्मानित किया है। आपने कई बार सावित्री और सत्यवान की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें पत्नी अपने पति की खातिर यमराज से लड़ जाती है और फिर अपने पति को बचा लेती है।
फरीदाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां किडनी पेशेंट अपनी पत्नी को बचाने के लिए पति ने अपनी किडनी उसे दे दी और अब दोनों पति पत्नी स्वस्थ हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के रहने वाले पंडित के शास्त्री की। पूरी दुनिया में जब आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है तो फरीदाबाद में रहने वाले पंडित के शास्त्री की कहानी आपको प्रेरित कर सकती है। पेशे से ज्योतिषी पंडित के शास्त्री की पत्नी माया देवी की किडनी खराब हो गई थी। लगातार डायलिसिस करा करा कर वह बेहद परेशान थी। कई सालों तक अस्पताल के चक्कर लगाए लेकिन तबीयत में आराम नहीं पड़ा, तो इसके बाद के शास्त्री ने अपनी पत्नी को किडनी देने का विचार किया और परिवार ने भी इस नेक काम में उनका सपोर्ट किया। फिर सभी कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को किडनी दे दी। फिलहाल डॉक्टर्स से उनकी पत्नी को कुछ महीने सावधानी बरतने के लिए कहा है। वर्ल्ड किडनी डे पर QRG अस्पताल ने के शास्त्री को सम्मानित किया। अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र कुमार की माने तो भारत में इस समय किडनी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उनके मुताबिक उन्होंने 300 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं और कई जगह देखा है कि आमतौर पर घर की महिलाएं तो किडनी देने के लिए आगे आती हैं, पर पुरुष इस मामले में आगे नहीं आते। ऐसे में के शास्त्री एक बेहतरीन उदाहरण है। बहरहाल आपको बता दें कि इस घटना को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या नाम है? माया देवी। माया देवी, अब आप कैसी हैं? अब मैं बहुत अच्छी हूँ सर। पति ने किडनी दी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से रह रही हूँ, खाना वाना खा रही हूँ, बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब पति ने किडनी देने की बात की थी तो तब कैसा आया था मन में? बस ऐसे ही थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी हिम्मत की हमने दोनों ने और दोनों साथ होके ये काम किया। एक से दूसरे ने हिम्मत दे के बहुत ज़्यादा। इतना प्यार करने वाला पति मिला है? बहुत प्यार करते सर मेरे से, बहुत ज़्यादा। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बहुएँ, मेरे पोती पोता, मेरी सास, मेरे सारे परिवार है, सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और उसने आपकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है? सब कुछ दे दिया सर, सब कुछ। क्या कहेंगे? क्या कहूँ, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्या कहूँगा। हिंदी फिल्मों की तरह आपकी कहानी भी कोई गाना याद है? क्योंकि इतना जो प्यार करने वाला पति मिला है, कोई पुराना, कोई आपके भविष्य को यादगार गाना हो? गाना कुछ लाइन गुनगुना दीजिए, कोई भी बात। याद नहीं है। कोई नहीं। जैसे प्यार पे कोई गाना गुनगुना दीजिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन की हर सांस, हर बात तुम कहती हो, मुझे पूरा नहीं है लेकिन इतना ही कहूँगा कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत अच्छा गाना है, और भी बहुत सारे गाने हैं लेकिन इन गानों को खैर मैं इतना नहीं मानता। ये मानता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से, अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। पता चला तो क्या विचार आया था आपके मन में? जब पता चला कि किडनी खराब हो गई, एकदम से घबरा गया था और मेरे ऐसा लगा कि अब तो शायद जीवन खराब हो गया मेरा, और जो करने की इच्छाएं थी वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी कि अब करके करना क्या है, और आशा निराशा में बदलने लगी थी। लेकिन फिर खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में आप जैसे डॉक्टर से मिला, आम आदमियों से मिला, लोगों ने मुझे साथ दिया, परिवार ने मुझे साथ दिया और उन्होंने ये सब कहा कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं, भाभी ठीक होंगी, ईश्वर की कृपा से। मैं भगवान को बहुत मानने वाला इंसान हूँ, ईश्वर की कृपा से वो आज 4 साल 4.5 साल डायलिसिस में रहने के बाद में भी, और जो ये ट्रांसप्लांट हुआ वो बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ और हम 15-20 दिन में बहुत अच्छी वापसी कर बैठे, आई है, रिकवरी बहुत बढ़िया हुई। आमतौर पर पत्नियाँ तो पति को किडनी देते हैं, लेकिन पति के मन में ऐसे कैसे आ गए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पति और पत्नी में कोई भेद नहीं रखना चाहिए, वो भी एक जीवन साथी है, वो किसी भी रूप में जो पति है या पत्नी है। मैं तो ये कहूँगा उतनी ही चाहत मुझे पत्नी की है और शायद मैं समझता हूँ कि पत्नी को भी उतनी चाहत होगी। घर खुला होगा तो हम दोनों होंगे, अगर घर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परिवार का क्या क्या मत था?
परिवार के सभी एक मत थे कि हाँ कैसे भी करके इनको ठीक करना है, लेकिन उपचार अलग अलग ढूंढते रहे, कहीं आयुर्वेद में चले गए, कभी होम्योपैथी में चले गए, एलोपैथी में चले गए, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही तय करना पड़ा जो हमारे परिवार के डॉक्टर्स ने, बच्चों ने कहा कि हाँ नहीं हमें ट्रांसप्लांट कराना, और ट्रांसप्लांट किया, सक्सेसफुल है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने आप के, ईश्वर ने मुझे शक्ति दी और मैं ये कर पाया। फिर मैं कहूँगा कि कोई पुरानी फिल्म का गाना जो आपके मन में जो प्यार पे हो। वो फिल्मों का गाना तो नहीं, लेकिन मैं जब बैठा था तो मेरी पंक्तियाँ कुछ मुझे याद आ गई थी जो मैं ऐसे लिख बैठा जब मेरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद में खाली बैठा, कि राह चल कर भी तुम्हें ना मिले मंजिल, तुम फिर भी ना घबराना, होता नहीं मुकाम मुसाफिरों का, थकार मुकाम न बनाना, मुकाम न बनाना, चलना है ज़िंदगी की तरह, पड़ाव कदम कदम पर होंगे, तुम चलते ही जाना, ज़िंदगी में नए नए मुकाम होंगे, नए नए मुकाम होंगे, थक जाएगा अगर रह जाएगा बेखबर सुंदर अपने अरमान से, चलता जा वक्त की तरह छोड़ यादें, हाथ बढ़ा अनजान से, उम्र देगी दगा तुम्हें चलने न देगी, खुद चलती रहेगी तुम्हें बदलने न देगी, तुम्हें बदलने, तब तपाती धूप तुम्हें रोशन करेगी, राह दिखाएगी कदम कदम पर, अंधेरी रात चांद का वास्ता दे आगोश में लेगी, सुबह की किरण देगी तेरा साथ, रातें यूँ ही बदलती रहेंगी, रातें यूँ बदलती रहेंगी। ये मेरे कुछ से, मुझे नहीं पता ये कविता है छंद है पंथ है, क्योंकि इसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया। एक लड़का है मनीष लखेलवाल, मनीष आए हैं, सुरेंद्र वशिष्ठ को आपने सुना, सुरेंद्र और उनकी माँ पुष्पा देवी, और एक अपना हीरो है हेमंत, हेमंत है और उनकी माँ जनक कुमारी। हेमंत की खासियत यह है कि ट्रांसप्लांट के बाद उसने एक नहीं दो बेटे पैदा किए हैं, और मैडम का साथ देंगे राजीव गोयल जी। सर आपका नाम क्या है? आपने बड़ा दिल दिखाकर अपनी पत्नी को किडनी दी थी, कैसे विचार आया और कैसे किया? नमस्कार सर, मेरा नाम कैलाश कुमार भार्गव है, मुझे शॉर्ट नाम जो दिया गया है वो के शास्त्री के नाम से मुझे बुलाते हैं, और मेरा फरीदाबाद में हाउस नंबर 79 सेक्टर 16 में घर है। जो ये बड़ा दिल दिखाने वाली तो ऐसी मुझे लगता नहीं कोई बात है, सभी को ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक फ़र्ज़ निभाया, मेरी पत्नी के प्रति मैंने फ़र्ज़ निभाया और ये सभी को निभाना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ। जब मेरी पत्नी बीमार हुई तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई सर, और मैं हर हॉस्पिटल जहाँ जहाँ मुझे जो जिस चीज़ ने जो बताया, चाहे वह आयुर्वेद एलोपैथी हो या और अन्य योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जो भी, मैंने सब करने का प्रयास किया। अल्टीमेटली मुझे जो डॉक्टर्स मेरे जो है उन्होंने मुझे जो राय दी, जो मेरे बेटे भी डॉक्टर है, मेरे ब्रदर भी डॉक्टर है, उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट इसका एक इलाज है, तो मेरे मन में आया क्यों ना फिर अगर ट्रांसप्लांट इलाज है तो मैं अपनी पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर कर सकूं, और ये मेरी माताजी का भी निवेदन था कि मेरी बहू ठीक हो जाए, बेटा जो मर्जी करे। आजकल देखने को मिलता है कि हर आदमी सोचता है कि मैं फिट रहूं और अपनी पत्नी तक इतना लगाव नहीं देखने को मिल रहा है, सास भी आज तक चाहती है कि चल कोई नहीं दूसरी आ जाएगी, ऐसे में कैसे आपके मन में ये विचार आया और कितनी आपको सामना करना पड़ा इन बातों का? नहीं, मुझे जहाँ तक बात है इन चीज़ों का
कि मैं और कुछ सोचूं ये मेरे दिमाग में भी नहीं है। मेरा दिमाग में सोचना सिर्फ ये था कि मेरी पत्नी कैसे ठीक हो। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य मुझे पता है क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसमें डॉक्टर्स है, जिसमें कंपाउंडर्स है, जिसमें मेडिकल लाइन्स है, तो मुझे पता था कि ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर प्रॉब्लम अगर आ भी जाती है तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका, तीनों बेटों की शादियाँ हो चुकी है और भवे बहुत अच्छी आई है घर में, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर 19 भी झेलना पड़ेगा तो मैं मेरी पत्नी के लिए झेलूंगा। तो परिवार में कोई किसी का विरोध झेलना पड़ा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी मैंने कहा ना कि मेरी बुजुर्ग माता जी 78 साल की, वो कहती बेटा मेरी बहू ठीक होनी चाहिए, जो मर्जी करो। तो अभी जो डॉक्टर ने कितनी सावधानियों का जो है कहा है? डॉक्टर साहब ने मुझे ये जरूर बताया कि आप थोड़ा सा सावधान रखें, वजन बाहर उठाने में सावधानी बरतें, बाकी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, पत्नी का 2-4-6 महीने आप स्पेशल ध्यान रखें। तो ऐसी ही सब बातें हैं जिनका हम पूरा फॉलो करेंगे। अभी हमें आपको देख रहे हैं, आप ठीक ठाक हैं, ऐसे में पत्नी की हालत कैसी है और अब कैसा लगता है? हम दोनों बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मैं तो गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने ये काम किया, मैं काम आ सका किसी के। और मैं तो ये भी कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, इसमें भेद नहीं होना चाहिए, सभी को इस प्रकार की सोचें। और ये जो किसी भी प्रकार की, चाहे रोग बात किडनी की नहीं, कोई भी रोग हो, अगर हम बांट कर कुछ बांट सकते हैं, अगर किसी का दर्द बांट सकते हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा ना, पर हित सरिसो धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हम इस प्रकार दूसरों की अगर पीड़ा का हरण कर ले तो इससे बड़ा दुनिया में कोई यज्ञ नहीं होता, मैं तो ये कहूँगा। सर अपना नाम और परिचय। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र है, मैं फिलहाल QRG हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और ट्रांसप्लांट मेडिसिन। सर किडनी रोगियों का ऐप का कैसे विचार आया मन में? देखिए, किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, डायलिसिस कराने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से फैल रही है, और यह अभी मैं ये कहूँगा कि ये अनियंत्रित है, और चूँकि हर जगह क्वालिटी सेम नहीं होती, इसलिए उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि डायलिसिस के विधि से लाभ मिलना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने डायलिसिस ऐप का कंसेप्ट लिया कि उसके ज़रिए जो ऐसे टेक्नीशियंस जिन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट का सपोर्ट नहीं है, या जो उनकी एक ग्रुप बन जाए जिससे कि अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़े तो वो अपने कलीग से या सीनियर से या नेफ्रोलॉजिस्ट से हेल्प ले करके अपने मरीजों को क्वालिटी डायलिसिस प्रोवाइड कर सकें। किडनी रोगियों को किस किस सावधानियों का रखना चाहिए सावधान? देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल आदमी की मैं बात करूँगा, नॉर्मल आदमी को सावधानी रखनी चाहिए कि उनको किडनी की बीमारी नहीं हो। इसके लिए ज़रूरी है धूम्रपान नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना, मोटापे से बचना, नियमित एक्सरसाइज करना, कोलेस्ट्रॉल किडनी के लिए भी उतना ही बुरा है जितना कि हार्ट के लिए। इसके अलावा जो आजकल नीम हकीमी या ओवर द काउंटर मेडिसिन की लत पड़ गई है लोगों को, दर्द हुआ नहीं कि एक दर्द की गोली खा ली, एंटीबायोटिक ज़रूरत से ज़्यादा ले लिए, या बिना किसी अच्छे आयुर्वेदाचार के मिले कोई चूर्ण खा ली, इन चीज़ों से बचें। क्योंकि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उससे जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो किडनी हैंडल करती है, और इस क्रम में किडनी कमज़ोर हो जाती है। तो अपने आप अपना केयर ना लें, आप डॉक्टर्स की सलाह लें टाइम टू टाइम। और कुछ लोग जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, गठिया के पेशेंट हैं, या जिन्हें किडनी का ऑपरेशन हो रखा हो, या जिन्हें पथरी हो रखी हो, उनको सजग रहना चाहिए और बिना किसी तकलीफ के भी नियमित किडनी की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि उन्हें अगर किडनी की आशंका है तो उन्हें शुरुआत में भी इलाज हो, जिससे कि किडनी भविष्य में सुरक्षित रहे। जिन्हें किडनी का जो ऑपरेशन होता है उन्हें किस किस सावधानियों को बरतना चाहिए? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जो हम लोग करते हैं तो डोनर तो एक नॉर्मल इंसान होता है, डोनर को कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो रेसिपिएंट हैं जिन्होंने किडनी लिया, तो उनके शरीर में जो पुराने 2 गुर्दे खराब हो गए उसमें नए गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें चाहिए कि डॉक्टर के टच में रहें, नियमित दवाइयाँ खाएँ, जिससे यह किडनी सुचारू रूप से चलती रहे। शास्त्री जी को क्यों सम्मानित किया गया? देखिए, ये विडम्बना अपने देश की है कि अगर हम रेसिपिएंट्स की बात करें तो 80% किडनी लेने वाले मर्द होते हैं, और डोनर्स की बात करें तो 80% डोनर्स फीमेल्स होती हैं। माँ अपने बेटे के लिए आगे आ जाती है, पत्नी अपने पति के लिए आगे आ जाती है, बहन भाई के लिए आगे आ जाती है, लेकिन
बाप अपनी बेटी के लिए या पति अपने पत्नी के लिए कम ही आगे आता। मैंने तकरीबन 300 ट्रांसप्लांट फरीदाबाद में किए और ये दूसरा पति है जो सामने आया। तो शास्त्री जी मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने वो माइंडसेट को हटा करके अपने पत्नी के प्रति अगाध प्रेम और प्रोसीडर के प्रति, मैं तो कहूँगा उन्हें दिल भी बड़ा, जिगर भी बड़ा और किडनी भी अच्छी थी, तो उन्होंने एक किडनी दान दिया अपनी ही पत्नी को, जो कम मर्द इस बात को करते हैं हरियाणा में तो खास तौर पे। तो अब 2 हफ्ते पहले उनकी सर्जरी हुई है, वो भी स्वस्थ हैं और उनकी पत्नी भी स्वस्थ हैं। तो ये वाकई एक सेलिब्रेट करने का माहौल है और उनको हम इसलिए सम्मानित कर रहे हैं कि ये जो जेंडर बायस अपने देश में है ये दूर हो और औरतें भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांट करा पाएँ और मर्द भी आगे आ करके औरतों की तरह दिल भरा रख करके ज़्यादा से ज़्यादा किडनी दें अपने नियर्स एंड डियर्स को। अंगदान करने वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, एक तो अंगदान होता है जो हम लोग जीवित रहते हुए करते हैं। डॉक्टर जब तसल्ली कर लेता है कि आपके दोनों गुर्दे ठीक हैं और एक गुर्दा फालते हुआ है, तभी वह किडनी लेने की बात करता है। तो आपके अगर नियर्स एंड डियर्स डायलिसिस पे हैं तो आप आगे आएँ और किडनी डोनर के रूप में आगे आएँ, तो आपका जो मरीज है वो डायलिसिस से मुक्ति पा सकता है। एक होता है मरणोपरांत अंगदान। जो लोग किसी हादसा में, किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से ब्रेन डेड हो जाते हैं, तो वो अगर पहले प्लेज कर लें तो मरणोपरांत उनके अंगों को निकाल करके किसी और लोगों को उसको जीवन दान दिया जा सकता है। तो मरणोपरांत हार्ट दान दे सकते हैं, फेफड़ा दान दे सकते हैं, लीवर दान दे सकते हैं एंड ऑफकोर्स गुर्दे दान दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अभी काउंटर भी लगाया है इस बात को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि हम लोग प्लेज लें, कुछ नहीं करना होता, नोटा के वेबसाइट में रजिस्टर कराना होता है और एक कार्ड मिल जाता है, जिससे कि हमारे अनफॉर्चुनेट डिमाइस में हमारे अंग किसी और लोग के काम आ सके। दूसरा इसके साथ ये बताऊंगा कि ये बहुत महंगा है। मैं इतना पैसे वाला नहीं था, गरीब घर से आया और इलाज महंगा। जैसे ही ये इलाज के बारे में मैंने सुना तो आर्थिक स्थिति सामने खड़ी होगी। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि हम सबको सबसे ये किडनी दिवस के ऊपर, जो आज का दिवस है, हमें जागरूक होकर अपने किडनी को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना, हमेशा के लिए सुरक्षित रखना। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिजनौर एसपी संजीव कुमार के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली शहर पुलिस टीम ने 2 अभियुक्त समून और फरमान को अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए पकड़ा है। ये दोनों बुरहानुद्दीनपुर गाँव चौकी क्षेत्र बेगावाला में इशरार के खेत में शस्त्र बनाते थे। इनके पास से 5 12 बोर के तमंचे, 1 .315 बोर का तमंचा, कारतूस, 3 अधबने तमंचे और शस्त्र बनाने की तमाम फैक्ट्री का सामान बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है, इनको जेल भेजा जा रहा है। इनका पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है। थाना पुलिस टीम की इस सराहनीय कार्य के लिए उनको 2500 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये टॉप 10 अपराधी जनपद बिजनौर के हैं, उनमें से इनका नाम शुमार है। ये जो फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, इसमें चुनाव में कुछ फर्क पड़ सकता था, ये क्या रणनीति है? पूछताछ में बताया है कि ये जो तमंचे अभी तैयार कर रहे थे चुनाव में ही बांटने के लिए, बेचने के लिए ये तैयारी कर रहे थे। मेरठ में एक बार फिर आग ने अपना तांडव मचाया है। इंडस्ट्रियल इलाके में बनी एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू करने में जुटी हैं। दरअसल हादसा जहां हुआ है, इस इलाके में तरह तरह की फैक्ट्री और कारखाने संचालित हैं, लेकिन इन फैक्ट्रियों कारखानों में कोई भी अग्निशमन यंत्र नहीं दिखाई देता है, जिस वजह से प्लास्टिक बनाने के इस कारखाने में आज अचानक आग लग गई। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी प्रकार अंदर काम कर रहे लोग यहां से निकलकर भागे और अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लोगों का हुजूम मौके पर जुट गया। पूरा मामला है, आज कैसे आग लगी? आग लगने का कारण अभी पता नहीं लगा है। अग्निशमन विभाग को सूचना मिली थी कि माधोपुरम में ENZ पैकिंग मटेरियल के नाम से इंडस्ट्री है, उसमें आग लगी है। इसी सूचना पर आग
का पता लगा। आग काफ़ी बड़ी है। जनपद के सभी फायर स्टेशनों से फायर टेंडर्स को रवाना किया गया और आग बुझाई जा रही है। कितनी गाड़ी आ चुकी है अब तक? 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो इसका मालिक कौन है सर? मिस्टर अंकित पुरी बताए जा रहे हैं। मिस्टर अंकित पुरी है जो मौजूद है। कोई जनहानि नहीं है, कोई घायल नहीं है सर। आग लगने का कारण? आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आग लगने का कारण बाहर है। नुकसान को आकलन हुआ सर? अभी कोई आकलन नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN। तब तक के लिए नमस्कार।